तो गाइस क्या सच में जिमी उसे एक बार फिर से ब्लड लाइन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा इस बार के स्मैकडाउन में, बात करेंगे उसी के बारे में। उसके बाद गाइस समर स्लैम के बाद वो और कौन से सुपरस्टार होने वाले जिनका रोमन के साथ फ्यूड स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया के शोज में ग्रेट खली ज्वाइन करने वाले इस बार का जो एक स्पेक्टिकल्स होने वाला है इंडिया में। उसके बाद गाइस ये भी बात करने वाले की समर स्लैम मैच से पहले जी उसे और रामरेज के बीच क्या स्क्रिप्ट लिखा हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। उसके बाद फाइनली रिया रेपली का एंगेजमेंट हो चुका है बैडी मैथ्यू के साथ। तो गाइस बात करेंगे अब तक की क्या न्यूज है अपडेट है, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस बार के मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप से। इस बार का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप जो निकल के आ रहा है 1.8 मिलियन व्यूअरशिप था इस बार का जो रेटिंग बाहर निकल के आ रहा है वो है 0.61। अगर गाइस कंपेयर करें पिछले मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप तो पिछले मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप था 1.76 मिलियन व्यूअरशिप, उसका रेटिंग था 0.53। तो गाइस आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस बार के रॉ का व्यूअरशिप कुछ ज्यादा ही गया पिछले मंडे नाइट रॉ के कम्पेयर से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस बार रेसलमेनिया 39 में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट हुआ था वो था गाइस 215 मिलियन $ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार के रेसलमेनिया 39 से रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, बात कर लेते हैं कि इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस भले ही रॉम रेंज इंजर्ड है पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली रॉम रेंज और जिमी उसो एडवर्टाइज है इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और दोनों के स्मैकडाउन में आने के बाद इनके बीच ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ जिमी उसो आकर रॉम रेंज को एक्नॉलेज करे और गाइस रॉम रेंज इनको यहाँ क्षमा कर दे। हो सकता है कि यहाँ से जिमी उसो और जी उसो के बीच फ्यूड स्टार्ट हो जाए और जाकर यहाँ पे बैक इवेंट में इनका एक मैच हो जाए। तो गाइस ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार स्मैकडाउन में रॉम रेंज और जिमी उसो के बीच। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रेसलमेनिया 40 के बारे में, जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह से ऑफिशियली ये पोस्टर लॉन्च किया गया है। पर का जो रेसलमेनिया होने वाला है वो होगा 6 और 7 अप्रैल को, और गाइस आप यहाँ इस पोस्टर में देख सकते हैं ये सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह से ऑफिशियली एडवर्टाइज है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो की है रॉम रेंज के नेक्स्ट फ्यूड को लेकर। गाइस रॉम रेंज का जो अगला फ्यूड स्टार्ट होने वाला है समर स्लैम के बाद वो और कोई नहीं बल्कि सेमस हो सकते हैं, सोलो सिकोवा हो सकते हैं और बॉबी लासली हो सकते हैं। इसी तीन रेसलर जो की काफी फेवरेट बताया जा रहा है रॉम रेंज के अगले अपोनेंट हो सकते हैं रेसलमेनिया 40 तक। वैसे गाइस आपको हम बता सकते हैं कि रॉम रेंज का अगला अपोनेंट कौन होने वाला है इस बार रेसलमेनिया 40 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉम रेंज और जी उसो के बारे में, जो कि इस बार समर स्लैम में इनके बीच ट्राइबल कॉम्बैट मैच हुआ था। लास्ट टाइम इनके बीच जो कि स्क्रिप्ट में चेंजेस हुआ था उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि गाइस इस स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि जब तक रॉम रेंज और जी उसो के बीच समाप्त नहीं हो जाता तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इनके बीच, और कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा और कोई भी काउंट डाउन नहीं होगा इस मैच में। तो गाइस एकदम लास्ट मोमेंट पे इनके बीच स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुए थे जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है रिया रेपली को लेकर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के इंट्रो में ही बता दिया था कि रिया रेपली का फाइनली एंगेजमेंट हो चुका है बैडी मैथ्यू के साथ, और गाइस ये कुछ पिक है जहां आप देख सकते हैं रिया रेपली बैडी मैथ्यू उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को एक साथ देखकर। गाइस पीछे से आप देख सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो का रिएक्शन किस तरह है जब रिया रेपली ने उनको किस दिया था बैडी मैथ्यू को, और गाइस ये हो सकता है कि इस बार के मंडे नाइट रॉ से रिया रेपली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच थोड़ा सा फ्यूरियस देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस रिया रेपली का एंगेजमेंट होने के बाद सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने उनको कांग्रेचुलेशन बोला, और गाइस यहां आप देख भी सकते हैं जैसे कि कैथी ली हो गए, उसके बाद समंथा हो गए, उसके बाद मैक्सिन डुप्री हो गए, सोनिया डेविल, एलेक्सा ब्लिस, सारे सुपरस्टार ने इनको कांग्रेट्स बोला है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं पे बैक इवेंट के बारे में, जो की डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है पोस्टर, और गाइस हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर में केवल जजमेंट डे को ही फीचर किया गया है, जहां आप देख सकते हैं एक तरफ रिया रेपली, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट हैं केवल। और गाइस रिया रेपली ने इस पर कमेंट देते हुए बताया कि द जजमेंट डे डब्ल्यूडब्ल्यूई रन्स पे बैक। वैसे गाइस रियली मानना पड़ेगा जजमेंट डे यहाँ तक कि मंडे नाइट रॉ को चला रहा था, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बैक इवेंट को भी चलाने जा रहा है। बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है लॉगन पॉल को लेकर। गाइस लॉगन पॉल ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह उनको इंजरी हुआ था इनकी इस बार समर स्लैम मैच में। जब रिकेट्स ने उनके ऊपर एक पंच दिया था तो कुछ समय दिखाई देना बंद हो गया था लॉगन पॉल को, पर गाइस थोड़े समय बाद वो ठीक भी हो गया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है चार्लोट फ्लेयर और जी उसो को लेकर, जहाँ गाइस इनका एक रिकॉर्ड था जो कि इस बार समर स्लैम में काफी बुरी तरह से टूट गया। जी उसो का रिकॉर्ड था कि उन्होंने 4 समर स्लैम मैच को अटेंड किया था पर उसमें से एक भी मैच नहीं हारे थे, और गाइस कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड था चार्लोट फ्लेयर का, उन्होंने 5 समर स्लैम मैच को अटेंड किया था पर उसमें से एक भी मैच नहीं हारी थी। बट इस समर स्लैम के बाद दोनों रेसलर का रिकॉर्ड टूट गया, जहाँ जी उसो 4-1 हो चुके हैं और चार्लोट फ्लेयर 5-1। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो की है जी उसो को लेकर। गाइस जी उसो अपनी पीठ पर ये नया वाला टैटू छपा जहाँ उनका मानना है कि रॉम रेंज इसको टच भी नहीं कर सकते। उसके बाद गाइस फाइनली आज का लास्ट और फाइनल अपडेट है एलेक्सा ब्लिस को लेकर, जहाँ गाइस आज एलेक्सा ब्लिस का एज हो गया 32 ईयर ओल्ड, पर इनको देखकर ये नहीं लगता कि आज ये 32 साल के हो चुके हैं। आज इनका हैप्पी बर्थडे है तो आप विश कर सकते हैं कमेंट में। तो गाइस यही आज के कुछ न्यूज एंड अपडेट जो की हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे न्यूज एंड अपडेट से रिलेटेड जुड़े रहने के लिए। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।